फ्रेंड्स सबसे पहले आप प्रूफ देख लो, यहाँ पे मेरे पेटीएम अकाउंट में कितना है, 150 रुपीज। एक बार आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे 150 रुपीज ही है। तो सिंपली मैं यहाँ पर कट करता हूँ, कट करने के बाद चला जाता हूँ एप्लीकेशन की ओर। एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 390 रुपीज़ मेरा बैलेंस है। यहाँ पर सिंपली मैं 390 रुपीज़ डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं 390 रुपीज़ डाल दे के सिंपली विड्रॉल नाउ पर क्लिक करता हूँ। जब यहाँ पर विड्रॉल नाउ पर क्लिक करूँगी तो गाइस आप देख सकते हो सक्सेसफुल पेमेंट। यहाँ पर मैं डन पर क्लिक करूँगी, यहाँ पर हो गया हमारा पेमेंट सक्सेसफुल। सिंपली मैं जाऊँगा पेटीएम पे, पेटीएम में जाने के बाद सिंपली एक बार रिफ्रेश मारूँगा। तो गाइस एक बार रिफ्रेश करने मारने के साथ ही साथ देख सकते हो 521 रुपीज़ हो गया। यहाँ पर देख सकते हो पैसा रिसीव हो चुका है 370। कुछ रुपये चार्ज काटते हैं, यहाँ पर 20 रुपये के करीब चार्ज काट लिया मेरा। तो कोई बात नहीं, चार्ज के साथ छोड़ो, यहाँ पर देख सकते हो कहाँ से रिसीव हुआ है, उनजो गेमिंग की तरफ से। ठीक है, अब देख सकते हो 370 रुपीज़ रिसीव होगा। अगर आप भी ऐसा पैसा अर्निंग करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाजू में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, क्योंकि हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और एक फ्रेंड्स एक ट्रिक देने वाला हूं, इस ट्रिक के माध्यम से अब मेरे जैसे ही पैसा अर्न करो आप जितना चाहो दिन पे 1000-1500 अब अर्न कर पाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक गेम लगाया और मुझे इतना रुपीज मिल गया। आपको कैसे मिलेंगे पूरे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगे, मेरी इस वीडियो को पूरे अंत तक वॉच करें। तो चले वीडियो की ओर। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ट्रिक हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से उंजो गोल्ड को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको उंजो गोल्ड को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इसका साइन अप प्रोसेस बता देते हैं। जब भी फर्स्ट टाइम इसको ओपन करके आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो, यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको चेंज आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पर वेरीफाई यूज मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर अलाउ मांगेगा, अलाउ दे देना है। अलाउ देने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सिंपली यूज SMS पर क्लिक करना है। आपके उस मोबाइल नंबर पर OTP कोड आ जाएगा। OTP कोड डालने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। यहाँ पर जो मेन काम आता है यहाँ पर आपको ये काम करना है। ठीक है, अगर ये काम नहीं करोगे तो आपको पैसा शायद जो साइन अप बोनस 18 रुपये से वो नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई प्रोमो कोड का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर मैं जहाँ पर दिखा रहा हूँ यहाँ पर अप्लाई प्रोमो कोड का ऑप्शन रहेगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपका यहाँ पर बॉक्स जो खाली रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा प्रोमो कोड डाला हुआ है, आपका बॉक्स खाली रहेगा। ये आपको ये प्रोमो कोड नहीं डालना है। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोमो कोड मिल जाएगा। ठीक है, वो प्रोमो कोड डालना है आपको, मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोमो कोड दे दूंगा। तो उस प्रोमो कोड को यहाँ पर डाल देना है। देने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर दिखा आ जाएगा, यहाँ पर एक छोटा सा टिक मार्क आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर जब भी क्लिक करोगे यहाँ पर आपको नेम पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इंटरव्यू फुल नेम आपको डालना है। यहाँ पर फुल नेम आपको डाल देना है। फुल नेम डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एरो का ऑप्शन रहेगा, फुल नेम देख सो मैं डाल के यहाँ पर एरो पे क्लिक करना पड़ेगा। एरो पे जब भी क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर टैप करना पड़ेगा, फिर से आपको वहाँ पर टैप करना पड़ेगा। टैप टैप करते 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 आपका जो यहाँ पर फाइनली अकाउंट जो अपना ओपन हो जाएगा, आपका होम पेज हो गया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है आपको मैं एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ। आपके सामने कुछ इस तरह का होम पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर आपका जो बैलेंस है 18 रुपीज़ शो हो जाएगा, आपको जो साइन अप बोनस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका 18 रुपीज़ शो हो जाएगा, आपका ऐसे होम पेज आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ठीक है, आपको फिर यहाँ पर आपका जो ये होम पेज हो गया, फिर आपको यहाँ पर होम मतलब वॉलेट वाले सेक्शन पर चला जाना है। आप देख सकते हो वॉलेट वाले बैलेंस में कितना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 13 रुपीज़ है। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मैं आपको समझा देता हूँ। तो गाइस आपको एक बात बताना भूल गया है, यहाँ पर मैं जो इस मोबाइल पे आपको नहीं करने दिखाने वाला हूँ, मैं दूसरी मोबाइल पे करके दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपके पास दो डिवाइस है मतलब दो मोबाइल है तो आप ज़्यादा मुनाफा लूट पाओगे। अगर आपके पास एक मोबाइल है तो एक मोबाइल वाला भी ट्रिक है मेरे पास, अगर दो डिवाइस है तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो लास्ट में आपको एक डिवाइस वाला ट्रिक भी दिखा दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेरा मोबाइल का कैमरा ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा दूसरी मोबाइल पर यहाँ पर मैं होम पे साइन अप करके यहाँ पर रख चुका हूँ। ठीक है, रखने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो 18 रुपये मुझे साइन अप बोनस मिल चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पर स्पिन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको स्पिन कर लेना है। यहाँ पर 20 रुपीज़ के करीब आपका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, आपको स्पिन एक बार कर लेना है, तो इसलिए क्या होगा आपका 20 रुपीज़ का करीब आपका यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्पिन कर चुका हूँ, आप देख सकते हो मुझे कितना मिला, 18 रुपीज़ था। यहाँ पर प्ले विन पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने पर कैंसिल, कैंसिल करने के बाद वॉलेट पर चला जाऊँगी। यहाँ पर वॉलेट पे है, यहाँ पर वॉलेट एक कोने पे है, तो वॉलेट पे क्लिक करूँगी यहाँ पे। तो गाइस 18 था, यहाँ पे देख सकते हो आप 21 हो चुका है। तो कितना मिला आप हिसाब कर लीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर आप जब भी वॉलेट वाले सेक्शन पे आ जाओगे आप देख सकते हो यहाँ पर दो बैनर शो करेगा, यहाँ पर तीन बैनर शो करेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर तीन बैनर शो कर रहा है, इसमें भी तीन बैनर शो कर रहा है और इसमें भी तीन बैनर शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, लास्ट में जो बैनर है देख सकते हो एड मनी का एक लास्ट में वॉलेट बैनर है, ठीक है, आपको सिंपली इस बैनर पर क्लिक करना है। जब भी क्लिक करोगे आपके सामने ब्राउजर आएगा, तो आपको क्रोम ब्राउजर या यहाँ पर, तो गाइस आपको वहाँ पर नहीं क्लिक करना है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा एड मनी का ऑप्शन, आपको सिंपली एड मनी पर क्लिक करना होगा, आपका सामने ये ऑफर शो हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो ऑफर शो हो रहा है। आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 50 रुपीस ऐड करना होगा, ठीक है, वो सिंपली एड नाउ पर क्लिक करना है। एड नाउ पर जब भी क्लिक कर दोगे यहाँ पर पेमेंट मेथड आ जाएगा, आपको सिंपली ऊपर वाला पेटीएम, पेटीएम में क्लिक करोगे यहाँ पर पेटीएम का ओटीपी मांगा जाएगा, जिस नंबर से मतलब आपका पेटीएम नंबर होगा जिस नंबर से रजिस्टर किए उस नंबर पर एक ओटीपी कोड आ जाएगा, तो मैं ओटीपी कोड डाल देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने दोनों पे जो पेटीएम लिंक करो यहाँ पर भी ओटीपी डाल दिया हूँ और यहाँ पर भी डाल दिया हूँ ओटीपी, ठीक है, वो तो सिर्फ दोनों पे कर देता हूँ और देने के बाद देख सकते हो पेटीएम अकाउंट लिंक हो गया। होने के बाद आपको सिंपली इस पेटीएम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब भी क्लिक कर दोगे आपके पेटीएम वॉलेट से यहाँ पर मतलब ऐसा यूरो आता है, कोई बात नहीं आपका ऐड हो गया, ठीक है, ऐसे यूरो आएगा तो मान लीजिए आपका पेटीएम वॉलेट से 50 रुपीज़ कट गया, तो इसमें भी ऐसा ही करना है, आपको इससे भी 50 रुपीज़ आपको पे कर देना है, ठीक है, आप देख सकते हो इससे भी मैंने 50 रुपीज़ पे कर, सॉरी गाइस इस पेटीएम में मेरा 50 रुपीज़ नहीं है, तो मैं सबसे पहले इस पेटीएम में आपको मैं 50 रुपीज़ ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने पेटीएम पे इस पेटीएम में 150 रुपीज़ ऐड कर लिया, सिंपली मैं पेटीएम पे क्लिक करूँगी, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली सक्सेसफुली मतलब 50 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लोडिंग चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर हो गया मेरा यहाँ पर, तो गाइस ऐड करने के बाद आपको सिंपली बैक करना है, ठीक है, जब भी ऐड हो जाएगा आपका सक्सेसफुल बैक करोगे एक बार और बैक करोगे यहाँ पर आपका पैसा जो शो हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 50 रुपीज़ ऐड किया तो आ गया और यहाँ पर 290 रुपीज़ हो गया। यहाँ पर मैं सिंपली हिस्टोरी पे क्लिक करूँगी, यहाँ पर आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकता हूँ मैं 50 रुपीज़ ऐड किया पेटीएम से और 20 रुपीज़ का कैशबैक मुझे एक्स्ट्रा कंपनी की ओर से 20 रुपीज़ कैशबैक दे दिया, और इसमें भी वही सेम प्रोसेस आप देख सकते हो, इसमें भी वही है, 50 रुपीज़ मैंने पेटीएम से ऐड किया और 20 रुपीज़ कैशबैक दे दिया। फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको बैक करना है, बैक करने के बाद फिर से आपको ऐड मनी करना है, फिर से आपको ऐड मनी पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फिर से आपको 50 रुपीज़ ऐड करना है, सिंपली ऐड टू, फिर से आपको यहाँ पर ऐड टू पेटीएम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से जो 50 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो 50 रुपीज़ फिर से ऐड हो गया, फिर आप देख सकते हो यहाँ पर 160 रुपीज़ हो गया। फिर से आपको ऐड मनी पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फिर से आपको 50 रुपीज़ ऐड कर लेना है, ठीक है, फिर से पेटीएम से 50 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। तो ऐसे आपको पेटीएम से पहले इसको 150 रुपीज़ दे देना है कंपनी को, देख सकते हो 231 हो गया, ठीक है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस करना है, इस मोबाइल पे भी आपको ऐसे 150 रुपीज़ ऐड कर लेना है, ठीक है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर भी 231 रुपया, इसमें भी 231 रुपया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर होम का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पर नीचे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर होम का ऑप्शन है, आपको सिंपली होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब भी क्लिक करोगे ऐसे आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, इसमें इस मोबाइल को भी होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, दोनों पे ऐसे आ जाएगा, आपको सिंपली ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर टूर्नामेंट का, ठीक है, डेली क्विज का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली डेली क्विज पे क्लिक करना है। जब भी डेली क्विज पे क्लिक कर दोगे इसमें भी ऐसा ही ऑप्शन रहेगा डेली क्विज का, आपको सिंपली इसमें भी डेली क्विज पे क्लिक करना है। जब भी इसमें भी डेली क्विज पे क्लिक कर दोगे यहाँ पर एक डेली क्विज चलेगा, देख सकते हो दीपिका वर्सेस कटरीना का एक डेली क्विज चलेगा, ठीक है, तो आपको सिंपली इस दीपिका वर्सेस कटरीना वाले डेली क्विज पे क्लिक करना है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस, इसमें भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर देख सकते हो एक टिकट का मतलब आपको यहाँ पर टिकट बाय करना है, मेरे पास था 231 रुपया, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक टिकट बाय करते हो इससे मतलब 231 रुपये से अंदर एक टिकट का भाव है मतलब मूल्य है 231 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पर एक टिकट का दाम है 230 रुपीज़, सिर्फ 230 रुपीज़, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली पे नाव पर क्लिक करना है, ठीक है, पे नाव पर यहाँ पर जब भी क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा क्विज, आपको सिंपली इसमें प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर कितना मतलब टिकट लेना है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर 10 कूपन आपको लेना है, यहाँ पर आपको 10 सिलेक्ट करना है, ठीक है, जब भी 10 सिलेक्ट करोगे इसमें भी आपको 10 यहाँ पर पे नाव पर इसमें भी क्लिक करना है, ठीक है, पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसमें भी 10 कूपन जो ले लेना है, ठीक है, आपको यहाँ पर भी 10 कूपन सिलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं। तो गाइस आपको दोनों पे 10-10 सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मेन काम क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको दीपिका पे लगाना है, एक पे आपको दीपिका पे लगाना है, ठीक है,
आपको एक मैच आपको दीपिका पे लगा देना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो दीपिका, दीपिका पे जब सिलेक्ट करोगे यहाँ पर कोने पे दिखा होगा सबमिट कूपन, ठीक है, सबमिट 10 कूपन, तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका हो गया, यहाँ पर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर आपको इस मोबाइल पे क्या करना है, इसमें आपको कैटरीना कैफ सिलेक्ट करना है, ठीक है, कैफ, आपको सिंपली कैटरीना कैफ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 10 कूपन यहाँ पर भी लगा देना है, ठीक है। ऐसे करके आपको दो मोबाइल पे लगा देना है अलग अलग को, ठीक है, इसमें देना है कटीना और इसमें देना है दीपिका, ठीक है। ऐसे करके आपको सबमिट कर देना है कूपन, ठीक है। आपका जो पैसा था वो पेटीएम से कट चुका होगा, अब मतलब वॉलेट से कट चुका है। यहाँ पर बैक करके देखोगे तो आपका जो पैसा है यहाँ पर आपको कट चुका होगा, आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। तो गाइस यहाँ पर जब भी वॉलेट पे बैक आओगे आप देख सकते हो ऊपर से आपका जो पैसा था 231 रुपया वो कट चुका है, इसमें भी 231 रुपया कट चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देख सो 7 रुपीज़ पड़ा हुआ है, क्योंकि एक टिकट का दाम है 23 रुपीज़, ठीक है, इसलिए 7 रुपीज़ ज़्यादा हो रहा था तो 7 रुपीज़ नहीं कटा। तो आपको ऐसे आपको माल आपको हिसाब कर लेना है आपका कितना टिकट बाय होगा। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो आपको हिसाब कर लेना है एक टिकट का मूल्य और आपको 23 रुपीज़ आपको कितना टिकट मिल जाएगा आपको हिसाब कर लेना। और एक टिकट का अगर आप यहाँ पर लगा दिए, यहाँ से मतलब कटरीना पे लगाए, इससे दीपिका पे लगाए, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको देख सकते हो यहाँ पर जब भी डेली क्विज पे क्लिक करोगे आपका जो क्विज 5 घंटे मतलब 5 मिनट बाद जो हमारा क्विज स्टार्ट हो जाएगा। और देख सकते हो यहाँ पर मैंने 10 टूपन सबमिट किया, ठीक है। तो इसमें जब भी इस एक में हार जाऊंगी और एक में जीत जाऊंगी, ठीक है। ये अभी जब भी जीत जाऊंगी, मैंने 10 टिकट सबमिट किया था तो 10 टिकट में मुझे 500 रुपीज़ का फायदा होगा। मैंने इससे 150 रुपीज़ से पेटीएम से कटाया था और इससे 150 रुपीज़ पेटीएम से कटाया था, तो कितना कटाया था 300 रुपीज़ का कटाया था मेरे पेटीएम से, मेन पेटीएम से मैं 300 रुपीज़ को दोनों को पे किया था दोनों मोबाइल से। तो यहाँ पर मुझे 500 रुपीज़ मिल जाएगा वॉलेट पे, तो जब भी 500 रुपीज़ मिल जाएगा तो यहाँ पर फायदा कितना हो गया 200 का, ठीक है। यहाँ पर 200 का फायदा हो गया, 100 करके फायदा हो, इसमें 100 रुपीज़ फायदा हो जाएगा, इसमें 100 रुपीज़ फायदा हो जाएगा। एक में एक मोबाइल पे मैं हार जाऊंगा, मान लीजिए मैं ये इस मोबाइल पे हार गया जो मैच, ठीक है, और इसमें जीत गया, तो इसमें जीतने के बाद जो मेरा पैसा आएगा यहाँ पर विनिंग बैलेंस में आ जाएगा। यहाँ पर बैक करके वॉलेट पे जाके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको विनिंग बैलेंस में आपने 0 देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर विनिंग बैलेंस पे 0 है। जब भी वहाँ पर 500 रुपीज़ जीत जाओगे यहाँ पर सिंपली आपका 500 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली आपको विड्रो पे क्लिक करना है, विड्रो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है 500 रुपीज़, यहाँ पर डालने के बाद सिंपली विड्रो कर देना है, ठीक है। आपका यहाँ पर बैलेंस 0-0 है, जब भी 500 रुपीज़ हो जाएगा आपका जो जीत जाओगे एक मोबाइल पर आपको 500 रुपीज़ दे देगा, ठीक है। आपको सिंपली विड्रो कर लेना है, जब भी विड्रो कर लोगे आपका 200 रुपीज़ का फायदा हो गया। और कुछ टैक्स कटता है यहाँ पर 30-40 रुपया टैक्स कटेगा, तो कोई बात नहीं, 150 रुपीज़ का इजीली आपको फायदा हो जाएगा। तो ऐसे करके आप जितने बार आपके पास जितना मोबाइल मतलब पेटीएम अकाउंट है हर एक पेटीएम अकाउंट पर ये ट्राई कर लो, ठीक है। ट्राई करने के बाद कर लो, अगर आपके पास एक मोबाइल है, आपको मैं इस बार एक मोबाइल वाला ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर आपके पास एक मोबाइल है तो आपको क्या करोगे, आपको एक मोबाइल है तो आपको क्या करना है, सिंपली मैं मेरे मोबाइल पर आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली मेरा अकाउंट जो जुपी गोल्ड का अकाउंट है मैं ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस मेरी मैं यहाँ पर जीपी गोल्ड पे आ चुका हूँ, देख सकते हो मेरा वॉलेट बैलेंस है 49 रुपीज़, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको मेरे दो टिकट का दाम है 46 रुपीज़, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर देख सकते हो 49 रुपीज़ मेरे पास है अभी, तो आपको सिंपली होम वाले ऑप्शन पे चला जाना है। जब भी होम वाले चला जाओगे यहाँ पर डेली क्विज पे जाना है, ठीक है। ये है एक मोबाइल वाला ट्रिक, आपको सिंपली दीपिका एंड कटरीना वाले पे चला जाना है। जब भी चला जाओगे यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो 2 मिनट बाद यहाँ पर खेल मतलब जो टूर्नामेंट चल रहा है वो शेष होगा। आपको सिंपली पे नाउ पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब भी क्लिक करोगे आपको सिंपली एक टिकट यहाँ पर बाय किया हुआ रहेगा, देख सकते हो एक टिकट, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं दीपिका पे लगा देता हूँ एक टिकट, ठीक है। जब भी मैं दीपिका पे लगा दूंगी यहाँ पर सबमिट टिकट मतलब टिकट करूंगी, करने के बाद आपका जो यहाँ पर कन्फर्म कर दूंगी, देख सकते हो 11 रुपीज़ कट गया, ठीक है। तो गाइस मुझे 12 रुपीज़ मेरे पेटीएम वॉलेट से पे करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर पे कर देता हूँ 12 रुपीज़, ठीक है। तो देख सकते हो मेरा एक टिकट मैं दीपिका पे लगा दिया, और आपको बैक करना है, देख सकते हो एक टिकट यहाँ पर मैं दीपिका पे लगा चुका हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो एक टिकट मैंने सबमिट कर दिया, फिर से आपको एड टिकट पे जाना है। जब भी क्लिक करोगे एड टिकट पे जाने के बाद फिर से आपको एक टिकट सिलेक्ट करना है, करने के बाद इस बार आपको कटरीना पे लगाना है, ठीक है। पहले आपने दीपिका पे लगाया था, इस बार आपको कटरीना पे लगाना है। आप ज़्यादा भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पर एक एक टिकट लगाया आपके सामने आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हो, अगर आपके पास एक मोबाइल है तो आपको 10 टिकट तो आपको मतलब बाय कर लोगे 150 रुपीज़ का, तो आपको इसमें 5 लगा देना है कटरीना पे और दीपिका पे 5 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके लगाता हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं कटरीना पे क्लिक करूँगा, सबमिट टिकट पे क्लिक करूँगी, या फिर फिर से मैं एड मनी कर लूँगा 10 रुपीज़ का, ठीक है, मतलब 11 रुपीज़ का। जब भी एड मनी कर लूँगी यहाँ पर मेरा जो
कटरीन यहाँ पर लग जाएगा मेरा। यहाँ पर सबमिट टिकट करता हूँ या फिर कन्फर्म कर देता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पर दो टिकट हो गया, अब देख सकते हो दो टिकट, तो एक लगाया मैंने कटरीना पर और एक लगाया दीपिका पे, तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पर 50 रुपीज़। एक टिकट का मतलब एक टिकट जीत जाऊँगा और एक टिकट हार जाऊँगा, तो मुझे यहाँ पर 50 रुपीज़ मिल जाएगा मेरे वॉलेट पर, उस 50 रुपीज़ को मैं विड्रॉ भी कर पाऊँगी। तो ठीक है, ऐसे करके इस ट्रिक को आप जितना चाहो लूट सकते हो अपनी, मतलब आपके पास जितना भी पेटीएम अकाउंट है, तो ऐसे करके लूटो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।